माशाल्लाह ये देखिए जी साग जो मैंने कल हम ले आए थे ना वही साग बन रहा है। तो किसी बार मैंने खाना और तो जल्दी जल्दी आ जाए। सबा भाभी जो ना ये तैयार कर रही है। बिल्कुल बस 10-15 मिनट लगेंगे रेडी, फिर जो हम खाना स्टार्ट करेंगे। जब हाँ ये सब बहन भाई आएंगे ना हम खा लेंगे। हाँ जी हाँ, से लेकिन और भी रखा हुआ है वो भी खाएंगे। चले कोई बात नहीं, ये देखिए ये बेबी। अल्हम्दुलिल्लाह जी नमाज मगरिब हमने अदा कर ली और इधर जी क्या बन रहा है हमारा फेवरेट साग जी जो कल आप लेके आए थे ना वही बन। हाँ जी आपका फेवरेट। और बताओ भाई सुनाए, हमने मिल तो लिया था पहले लेकिन फिर भी आपकी ऑडियंस को पता चले ना मिल लिया है। हाँ जी मिल लिया है। कैसे है? अल्हम्दुलिल्लाह फिट है अल्ताफ भाई। हाँ जी अल्ताफ भाई दोनों अल्ताफ है। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। सब क्या हाल है? ठीक बिल्कुल खैर करिए। और सुनाए अल्लाह ताला का करम है आपकी दुआ से माशाल्लाह से आ गए हो। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह ताला। वेलकम टू माय सिटी। मेरा होम नहीं है अब यार, ये भी आपका होम है। नहीं ये वो मालिक बैठे हैं, ये ना हो कि मुझे कहे चल गिट कर पड़। आप भी मालिक थे, कितनी जिंदगी यहाँ पे गुजार। कभी अब सुनो कभी थे। अच्छा वैसे एक बात बताऊँ, अभी भी मैं इसका मालिक हूँ। हाँ, मजे की बात है। अभी भी मैं इसका मालिक, मैं अभी रोला करूँ चलो पुत्र उठो उठा सकता हूँ क्योंकि कागजात मेरे पास है। अच्छा अभी नाम नहीं करवाई? अभी नाम नहीं करवाई, फिलहाल आपका ही है। अभी मेरा है चलो जी। प्याज इधर काटे जा रहे हैं। ये साग जो है ना बड़ी मुश्किल से हमें मिला, ये इस साग ने हमें बहुत परेशान किया था। देखी थी आप वो चोरी कर रहे थे कमांडो के अंदर। नहीं नहीं वो पूछा था और इसको लेके चली गई थी। नहीं वो आपने वीडियो लगाई थी कि बेगम चोरी हो गई। वो इस टेंशन में थे और फिर आप भी गए हुए थे वो सेंटर में जहाँ पर ये लगा हुआ था साग। हाँ हाँ उधर गए, लेकिन डर गया था मैं। इसे औरतें साथ लेके गई थी कमाद की साइड पे, हालांकि वो सरसू जो है ना वो उधर हमारे सामने थी, वहां से नहीं तोड़ा, वो ले गई शायद अपना उनका था वहां पे ले गई। तो मैं डर गया। वो सरसू था दूसरा और वो जो अच्छे वाला वो कड़वा था, जो कड़वा था जो मीठा होता है वो नहीं रहा। उन्होंने तो फिर खिदमत का मौका दिया ना, खिदमत की उन्होंने, अच्छी चीज दी आपको। लेकिन न्यू इलाका था हमारे लिए, मैं तो डर गया कि हो सकता है। मतलब ये आपके घर का नहीं है? नहीं हमारे घर का नहीं है, ये आपके शहर का है। ये पूरी देखची खा लूं फिर भी कुछ नहीं होगा। हाँ जी ये शिफा है, शिफा इकट्ठे खाएंगे इंशाल्लाह। हाँ जी शिफा समझ के इसको खाएं, सारी बीमारियां दूर। नहीं नहीं क्यों, कौन नहीं मानता यार? अल्हम्दुलिल्लाह हम वलियों को मानते हैं। मेरे पास एक कमेंट आया है भाईजान, मेरे पास एक कमेंट आया है। मैं दाता दरबार पर गया, उधर सिर्फ हाजरी मैं गया, उधर हाजरी दी वापस आ गया। तो उधर ना एक सिस्टर थी, उसने कमेंट्स किया कि भाई ये शिर्क कर रहे हो आप, मतलब कि उसने ऐसा बोला। मैंने कहा हर किसी का अपने सोच होती है काम वो अपने, ये हमने तो पढ़ा है कि कुरान में भी है कि सब काम कर जो है ना आप काम करते हैं ना वो आपका दारोमदार नियत पे है। बिल्कुल, आपकी नियत कौन सी है उसी हिसाब से आप काम जो भी करो। लेकिन मैं उधर गया, मैंने कहा मैंने कौन सा वहां सजदा किया ना, मैं किसी को चूमा या मैंने सिर्फ जाकर दुरूद शरीफ पढ़ा और अल्लाह से मांगा या अल्लाह तेरा ये वली है, तेरा प्यारा है, मैं इसी के सदके तुझसे मांगता हूँ, बस ये मैंने दुआ की। मैंने कहा मैंने गलत तो कुछ नहीं किया। मैं जाऊं जी बैठ जाऊं उधर कुब्बा हो जाऊं, जाकर सज्दे करने लग जाऊं, चूमने लग जाऊं,
ये चीजें सजदे जो है ये मुझे खुद को भी इतना पढ़ा लिखा बिल्कुल ये शिर्क है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हम मानते हैं जो अल्लाह ताला के वली है जो गुजर गए हैं। यही तो है, देखो अभी अब्दुल्ला शाह गाजी साहब उधर उनके दरबार है, उसकी वजह से पूरा कराची बचा हुआ है। हाँ, समंदर ले जब डूबता उनको अल्लाह ताला के वली थे, अल्लाह के वली थे। अल्लाह ताला बस सबको सलामत रखे। सब बस कुछ होता है किसी को, यानी कि वो है कि समझ में नहीं आता कि असल ये करते क्या है। हाँ, बिल्कुल। कुछ लोग हैं ऐसे समझते हैं कि यार ये जाकर, हाँ ये भी मानते हैं, कोई ऐसे हैं जो जाकर सजदे करते हैं, जाकर सजदा किया, उधर जाकर चूमा, नीचे गिरे पड़े होते हैं, लेकिन हर किसी की अपनी सोच होती है। बिल्कुल वो शिर्क है। हम मैं तो जिस दरबार पे जाता हूँ उधर यही करता हूँ, जाकर दरूद शरीफ पढ़ा, जो कुछ कुल कलमे आते हैं वो पढ़े, और उनके जो है उनके लिए मतलब वो कहता है कि उनको इसाले सवाब के लिए वो बोल भेज देता हूँ, जो कुछ भी आता है उनको नजराना भेज देते हैं। बाकी मांगते अल्लाह से हैं कि उनके वसीले से, मतलब कि उनके सदके से, कि अल्लाह के वली हैं इसलिए फिर ये दुआ मांगते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे जाना चाहिए दरबारों पे भी और कब्रिस्तान, कोशिश करे बंदा डेली जुम्मे के दिन लाजमी जाए, वरना हफ्ते यानी कि हफ्ते में एक बार जुम्मे वाले दिन जरूर जाए, बिल्कुल, ताकि इबरत हासिल हो, जो हमारी अकड़ आ जाती है, कौन सा बन जाते हैं, पता चले कि कब्र में क्या जो कुछ भी आता है पढ़ के, जितने भी कब्रिस्तान में है मुर्दे उनकी रूहों को इसाले सवाब बंदा कर देता है, तो इसमें कोई शर्क वाली बात नहीं। बाकी इंतजार हो रहा है जी, इंतजार ना करो, सही नाल थी वो साग लगा के मंदिर में लगा के बाबा हाथ डालते तैयार खड़े। वैसे आधे घंटे से लगा रही है, मैंने पकड़े पकड़े कैसे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम दिखाए देख दे दत्ता लाना निकला बंदे मतलब सारे सिलेंडर आए सिलेंडर ही थे इन तले किया पिया हुए थे ये हेल्प हम करा सकते हैं उते ओ इकट दे बुलबुल भी कट दे आपने निकले नीचे है ना अगर आग भी हो तो फिर निकलता है। अल्लाह खैर करे तेरी वारी लगने टेंशन हो गया भाभी ने कहा अच्छा, एक मिनट में भाई जो है ना वो 6 मंदरा अच्छा लगाता है वही चला के मैं बात बने मैं जाता हूँ फिर यहाँ पर मंदना शुरू हो गया। हम आते हैं भाई, हम इधर थोड़ा काम है वो काम हमें बता दे, हम कर देते नहीं, वो आपके पास का काम नहीं है, थोड़ा सा हाँ वो बाहर जाना है, बाहर जाना है। चले जी मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा, गाड़ियां आज हम अंदर खड़ी कर रहे हैं, रात तो बाहर थी लेकिन आज दोनों गाड़ियां हम अंदर ले आए हैं। तो अहमद भाई की गाड़ी ये खड़ी है और ये है जी हमारी गाड़ी, तो फिर इसको चोला इसका पहना देंगे फिर ये महफूज हो जाएगी पड़नाल छड़नाल से। हनीफ भाई अब इसका चोला पहना रहे हैं इसको क्योंकि सर्दी लगती है ना, इसीलिए हाँ इसीलिए इसको चोला पहनाना पड़ता है। हाँ उसको सर्दी गर्मी का मैंने हेलक कर दिया, ना उसको गर्मी लगती है ना सर्दा लगता है, इसीलिए तो वो हेलक हो गई है ना, वो बराबर रहती है। हाँ सर्दी नहीं लगती ना गर्मी लगती है। ये न्यू है इसको लगेगी कुछ देर, हाँ कुछ महीने लगेगी सर्दी, हाँ सेट हो जाएगी, आदत बना जाएगी, आदत बना लेगी और आदत आपकी भी बन जाएगी। उधर दुकान में तो कपड़ा नहीं ना पाते, ऐसे ही जब ओपन जगह पे खड़ी करते हैं फिर जो है ना रात को सर्दी का खतरा होता है। हाँ जी पानी से भी बचाना पड़ता है ना, जिंक पकड़ जाती है, जिंक पकड़ जाती है। तो अभी तक साग तैयार नहीं हुआ, अब तिड़का लग रहा है जी, तिड़का नहीं लग रहा है, रोटी भी आ चुकी है माशाल्लाह, बस अब देर है साग की जी, तिड़का लगता है तो फिर खाएंगे खाना इंशाल्लाह ताला। ले लें जी 2 घंटे हो गए हम पूछ रहे हैं कि खाना कहाँ है, खाना कहाँ है, खाना हमने उधर लगा दिया, आप जो है जाकर खा रहे हैं, हम इधर खा रहे हैं। किधर? इस कमरे में जी। शुक्र है, अगर खाना है तो, नहीं खाना तो फिर जाके सो जाए, खाना तो है, भूख बहुत ज्यादा लगी हुई है। चलो जी तू सखो सही देखाने हैं, ये देखें जी इधर भी खाना खाया जा रहा है, साग है वो साग है वो साग, हम पहले पसीना, माशाल्लाह माशाल्लाह कैसा बना हुआ है अहमद भाई, टेस्टी वीआईपी मजेदार, आप ना ले आते तो हम क्या खाते। चलें जी जिसने आना है तो वो अपने घर साग पका के खा सकते हैं, बेशक जी साग
साग का तरीका हमसे पूछ लें, घर पे पकाएं, हाँ जी, हमें भी इनवाइट करें, इंशाल्लाह पहुंचेंगे हम। तो खाया इस तरह जाता है, देख सकते हैं आप, हाँ। बड़े मजे से। चलें जी खाना खा लें, फिर देखते हैं क्या बनता है। ये क्या हुआ? गोश्त पटा है। गोश्त पाट रहा था, शापर पाट गया। गोश्त नहीं पट्टा, शापर पाट गया। फट गया शापर। अल्हम्दुलिल्लाह जी खाना हमने खा लिया है पेट भर के साग के साथ, और साग ने जो है ना मजा दिया है माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त वीआईपी। और ये गोश्त, गोश्त क्या क्या हो रहा है, इसको उबाला जा रहा है, हैं? उबालना है, बॉयल किया जा रहा है इसको। अच्छा हाँ जी, बॉयल। इसको सुबह खाएंगे जी, सुबह क्या नाम बनाया? देखते हैं अगर किस्मत। भट्टे का गोश्त ये स्पेशल आपके लिए लिया था। चले कल खा लेंगे इंशाल्लाह ताला। तो फिर बार ऐसे आ जाते हैं गोश्त मिलता नहीं, इसलिए एडवांस हमने लेके रखा था। मैंने कहा उन्होंने तो बर्थडे पे आना है, हाँ जी। फिर साग का सबको शौक था, हमें भी आपको भी, इतनी ज्यादा आपने जो है उधर मुश्किलात आई है, मेहनतों से साग खोते हुए, आप खो रही थी, हाँ। खोने लगी थी ये साग खोते हुए, तो मैंने कहा चले आज ये बन गया ना। तो सुबह सुबह जो है हमने निकाह पे जाना है 11-12 बजे, तो सुबह नाश्ते में कट्टे का गोश्त खा के फुल खा के जाएंगे, ताकि आगे रोटी हमें ना भी मिले तो टेंशन ना हो। पता नहीं गैर इलाके जा रहे हैं, मिलती है नहीं मिलती, बिल्कुल अपना तो हम जब गोश्त होगा ज्यादा खा के जाएंगे, बिल्कुल। ये भी पता नहीं है कि आगे क्या बनता है हमारे साथ। चले जी अब जाना है नंबरदार के फंक्शन पे, शादी पे। किसने कहा? जा रहा है वो, इधर सालन बना रहा है। नहीं उसे सिर्फ बॉयल करना है। अच्छा, सालन नहीं बनाना है सिर्फ बॉयल। ये 20-25 मिनट के अंदर कुकर में गल जाता है, 20 मिनट का टाइम होता है इसका। 20 मिनट बाद ये ऐसे गल जाएगा, ऐसे करते रहो। अभी तो टाइम काफी पड़ा है, कुकर में नहीं गलाना चाहिए, वैसे पकाना चाहिए। गोश्त को गला देना खाओ, पका के वो कच्चा रह जाता है। ये इसमें कौन सा कोई सिस्टम डालते हैं, बर्तन है सिर्फ, गैस जमा हो जाता है बस, इसका मसला कोई नहीं होता। हम कौन सा अंदर सोडा डालते हैं जो फिर बाद में बंदू को मोशन लग जाते हैं। क्योंकि कल फिर जल्दी निकलना है ना, किधर खाया तो है निकाह पे। अच्छा अच्छा, हाँ किस कर, आपने साथ नहीं जाना? पता नहीं हमें, पता ही नहीं, किसी ने बुलाया नहीं ना, किसी ने सुना नहीं। किसी ने सुना नहीं क्या? एक मजाक में बनी हुई है वो, बता दो वो जो पर हेड कह रहे हैं भाई, वो कोई वो तो ऐसे मजाक है। ये इंसान का इरादा है हमें गुम करने का, अल्लाह खैर करेगा, हम गुम नहीं होने वाले। हाँ इनसे चलें जी, फिर चलते हैं नंबरदार के शादी पे, जागे पे, जागे पे, जागे पे लगाने। हाँ जी जागे पे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, उम्मीद करते हैं कि आप भी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, जहाँ मेरा खुश रहें बाद रहें, मैं दो में याद रखें, हंसते मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। जैसे कि आपने देखा अभी हम जो है ना अहमद भाई के घर हैं, अब हम जा रहे हैं फंक्शन पे जो नंबरदार की शादी है ना। वैसे तो हम ये जुम्मा ताड़ी तो नहीं लगाते, देखते हैं कि कैसे जो शुगर मेरा लगाया हुआ है। अच्छा अभी जी चलते हैं शादी पे, चाचा जी में सजावट हो चुकी है। अब पहुंचते हैं नंबरदार की जागे पे। बाय बाय मसाद, बाय बाय, सुबह मिलेंगे इंशाल्लाह। क्या हुआ? वो भाई को जगह नहीं बना दी। वो ना जगह उसकी बना दे फिर चलेंगे, ताकि वो तो सो जाए। हाँ, वो उसको जो सुला के जा रहे हैं। हाँ ये तो है, मसाद तई दास खिलने तो हा कल मिलेंगे। चलो जगह तक जोड़ दे, जगह ना भी होती, नीचे क्लीन है, मैं सो जाता फिर भी। चलें जी, तुहाड़ी मेहरबानी, कोई टेंशन नहीं थी यार, अपना घर है यहाँ, कोई फर्क वाली बात ही नहीं। हाँ जी हाँ जी, फाइनली हम पहुंच चुके हैं जी शादी वाले घर। हाँ जी, ढोल की बज रही है, आज ढोल की नहीं आई भैया। ओ सावन मां कु सावन मां कु सुंदर आयो,
सलाम हो गया सबको। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। बीता सीता फिट है? माशाल्लाह सलामत रहो। आज बंदे कम दिख रहे हैं हमें। अभी आ रहे हैं ना? अभी ऐसे ऐसे आ रहे हैं ना। आप कैसे आ जाते हैं ना? आपको भी आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। चले हम तो आ गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। कोई बात नहीं, ये होता रहता है। पसीना आ गया है भैया, आपकी सेहत अच्छी है। जो सेहत का राज है, इसलिए पसीना आ गया सर्दियों में। सेहत फिट है आप। मुझे छोड़ के मत जाओ पारो, मैं आपके बगैर नहीं जी सकता। पारो तेरे गम में ये ढोलकी मिली है पारो, इसके जरिए रोजी कमा रहा हूँ पारो। पारो ये ढोलकी बज गई, ये ढोलकी फट गई तो मेरा क्या बनेगा पारो, मेरा साथ दो। पारो आ रही है आपका साथ देने, जल्दी आ जाओ पारो, नहीं तो ये फट जाएगी। ये देखो कितनी काली हो गई है। ये देखो। अच्छा काली हो गई। अच्छा अच्छा ये तो देखो चिट्टी है। मैं जानदा या मेरा रब जानदा, रब जानदा जानदा।
कोई कावड़ लगी बैठी है। पहले मुझे ये बताओ सीधा बात करो मेरे साथ। हाँ। आपको कावड़ क्यों लग रही थी? क्यों कहना नहीं मैं फिर? क्योंकि इंसान थक जाता है ऐसे। इंसान कहने का गद्दा है। आपको मैंने ऐसा नहीं कहा। आप गलत अल्फाज। घंटा ठीक ही आया, हम इधर आए बैठे हैं। वापस लो, हमें नहीं चाहिए आपका अल्फाज। हमें नहीं यार, आज दे रहा था से। अच्छा जी चलो आ गई ना मैं। साडा सजना दूर टिकाना संभल के कोई नहीं आना। ये आप जे हस कर रही है। Thank you.
ऐसा मोड़ के कोई नहीं आना गोड़ ना दी वेल दार पे वेल बादबाती वेल और वेल ये ना देता ना देता ना देता मैं देता हूँ आज तो बेटो घेर पे वेसो मुबारक जी मुबारक सारा दिन बाइक पे ठंड लग रही थी थकेड़ा लग गया है भाई क्या मैंने कहा है कि हम ना नाराज हुए हैं तो मैंने कहा कि आप नाराज ना हो तो फिर मैंने रजाई यूं खींची फेंका मारी फिर दौड़ी हुई आपकी मेहरबानी यानी गले लगा नहीं रहता पहले नहीं वो तो हम हजार मरतबा गले लग चुके हैं फिर भी लेना था फिर उसको मनाना था फिर भी यार वैसे क्यों यार ये भी ऑफ कैमरे में तो हम गले मिलते रहते हैं ये आया हुआ था मदीर जो गाना में तो आपको ना थोड़ा याद करके ना इधर कमेंट में लिखा हुआ है मैं याद करके बताता हूँ कौन सा है वो वाला मुझे भी अच्छा लगा था अगर वीडियो पिछली देखी जाए ना उसमें वो है जो क्या असा पक्षी मुसाफिर जान वो वाला है फरमाइश है चलो गुनगुना कहाँ से फरमाइश आई है फरमाइश सिस्टर की थी पता नहीं कहाँ से है फरमाइश पूरी कर दो पूरी कर दो शुरू हो जाओ फिर Yeah.
कहाँ पे जाना है असगर भाई? कहाँ पे जाना है? साथ नजदीक स्टेशन पे जाना है बस। स्टेशन पे? अच्छा, ढोलकी बजाते हुए। आगे पोल आएगी, पोल से होते हुए फिर वापसी ऐसे जाएंगे, वैसे वापस आएंगे। ठीक हो गया जी, चले आ जा। वापसी हो चुकी है जी, सब वापस जा रहे हैं, दुल्ला साहब भी वापस जा रहे हैं, हम इधर खड़े हैं जी। हम भी चलते हैं। हाँ, हम भी चलते हैं थोड़ी देर तक।
हम आ चुके हैं जी वापस अपने अड्डे पे। दादा दादा लड़का खड़े हाथ।
लड़कदा खड़े हाथ मैं नहीं लगाऊंगा, मुझे लगाना नहीं आता।